चलो गांव, हम आ पहुंचे हैं डिमरू छोरा गांव पे और आप दिखाएंगे, हम दिखाएंगे डिमरू छोरा का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का समस्या का साथ वहां का क्या क्या समाधान हुआ। और इस वक्त मैं इस वक्त मौजूद हूं डिमरू छोरा का जो गांव जाने का एक गेट है, मेन गेट उसमें ही। और यहां पे पहले बहुत ही रास्ता खराब था, तो इस रास्ता खराब के बाद अभी फिलहाल रास्ता बनाने का शुरू कर दिया है काम। और अभी फिलहाल ब्लैक टोपिंग का एक नज़र एक छोटा झलक दिखाने का मिला, तो इससे देखते हैं कि कुछ उन्नति का रास्ते पे जाने का शायद दिमाग हासों भी दूसरे के साथ साथ कदम मिला के जा रहा होगा। तो चलो हम चलते हैं डिमरू छोरा गाँव में, आप लोगों को दिखाएंगे कि चलो गाँव में इस प्रोग्राम पर स्पेशल जो हिल स्लैब। डिमरू छोरा ए मिनी जाटिंगा, डिमरू छोरा ए टीनी बट ब्यूटीफुल विलेज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी मिनी जाटिंगा लोकेटेड ऑन द फुट हिल्स ऑफ बोराल माउंटेन एट ए स्टोन थ्रो डिस्टेंस फ्रॉम हारंगाजाओ बट फेल टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ एनी डेवलपमेंट एजेंसी। द हिल्स लाइफ टीवी टीम विजिटेड द विलेज विथ इट्स गाओ चोलो प्रोग्राम recently and managed to talk to villagers as well as Gauburi, female Gaubura, perhaps the only female Gaubura in Dima Assam. अभी हम लोग का जो गांव चलो प्रोग्राम है इसमें आज हम लोग डिमरू छोरा बोल के एक गांव में आया और ये हारंगाजाओ कॉन्स्टिट्यूंसी में ही रहता। तो ये बहुत सुंदर एक गांव है और यहाँ पे एक महत्व जो है यहाँ का जो गाँव बूढ़ा, हम लोग जनरली गाँव बूढ़ा मेल होता है, तो यहाँ पे एक गांव का जो गाँव बूढ़ा है वो उनका गाँव बूढ़ी है, मतलब फीमेल का बूढ़ा है, तो इसलिए उनका साथ में हम लोग एक गांव का बारे में थोड़ा बहुत बातचीत करेगा और यहां का समस्या व यहां का कैसा होने से अच्छा रहेगा और कैसा कैसा होने से ठीक रहेगा उनका बातचीत। एमनी सुटंका शेयरिंग विद द हिल्स लाइफ सेड विद द इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इन द विलेज मेनी प्रॉब्लम्स आर बीइंग क्रॉप्ड अप। इन 1968 द विलेज वाज सेटल्ड विद ओनली 10 हाउसेस व्हिच आर नाउ इंक्रीज्ड टू 71 हाउसेस बट the area of the village remained the same. Maine ye hum log Dimru Chara village se hum log 1968 mein start hua. Hum log ka baba start first starting mein 1968 mein order mila ra. To oi time se settle hua, oi time mein to permanently hua, temporary hua. Order to ho gaya lekin temporary ise jhum cultivation aur ise baad mein paddy cultivation hota, baad mein palm leaves ka cultivation hota. और हम लोग का बस्ती तो ठंकिया विलेज के है, अंडर फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट। तो वही टाइम से हम लोग बैठा, तो अभी तो हम लोग सेफ्टी से बैठा, अच्छा से बैठा, आराम से हम लोग यहाँ में सेटल करने सका बोल के बहुत खुशी का बात है। थैंक यू। अर्लियर मींस ऑफ लाइवलीहुड वाज हॉर्टिकल्चर बट विद द इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन the people had to go outside in search of livelihood. हम लोग विलेज में अभी फर्स्ट सेटलमेंट के टाइम में 10 हाउसेस रहा, तो अभी तो हम लोग का 67 टिल दिस ईयर तो हम लोग रिपोर्ट दिया है 71 हाउसेस हो गया, मैंने नया भी और निकलेगा बोल के अभी स्टार्ट करता है, तो 71 हो जाएगा। तो जो अभी हो गया सेटल वाला तो 67 रहा, तो अभी हम लोग का रास्ता तो ईएम से बनाई दिया, हम लोग को बनाया रास्ता भी तो अभी तो है लेकिन कंप्लीट तो नहीं हुआ, बाकी है आप लोग भी देखा रहा। और हम लोग का रहने में तो ठीक है और बाकी तो क्या बोलेगा सर। हम लोग क्या करके खाता? हम लोग मैंने खाने में तो पंजुम करता है और इसे समर का टाइम में तो हम लोग जुम धान जुम बोलेगा नहीं क्या, लेकिन धान तो कम मिलता है आजकल, जगह तो नहीं मिलता है, खाली सब्जी जुम होता है, तो सब्जी जुम तो हम लोग
काम करके हमरा बहुत से लोग काम करके वही सब्जी थू बाजार में हरंगा जाओ बाजार में बिक्र करके थोड़ा थोड़ी तो मदद मिल जाता है और बाद बाकी तो फिर पंजुम हम लोग करता है पंजुम भी पंजुम से भी थोड़ा थोड़ी तो मदद कर लेता है मदद मिलता और बाद बाकी हम लोग को तो सर्विस तो कम है बहुत कम है सर्विस तो अकॉर्डिंग टू सुतंका द विलेज वॉज लैकिंग इन प्रॉपर रोड बट नाउ दिस रोड इज बींग ब्लैक्ड आउट एंड ऑल्सो इलेक्ट्रीफाइड बट देयर इज scarcity of water supply as the old water supply scheme is damaged. She said, if the government could provide at least water supply to this village, they would be very happy. और पानी हम लोग को तो नहीं मिलता हाँ पानी का समस्या पानी का तकलीफ होता है आगे में तो फास्ट में तो बाबा जिंदा होने के टाइम में तो था ना तो अभी तो उस टाइम से और नहीं मिला हम लोग मैंने जब डैमेज हो गया डिपार्टमेंट से भी डैमेज तो बोल दिया तो हम लोग अभी तो पानी को बाकी है बट बाकी तो हम लोग का इलेक्ट्रिक भी मिलता और इलेक्ट्रिक पोस्ट तो सब खराब हो गया हम थोड़ा आगे आगे में भी बात करा रहा इंजीनियर के साथ में सर हम लोग का इलेक्ट्रिक पोस्ट तो अगर पानी क्या हवा तूफान देने से तो पोस्ट भी ठीक नहीं है खराब हो गया थोड़ा देखने को आने से अच्छा होगा बोल के तो आएगा बोला रहा हमको आगे में तो इसलिए रास्ता भी तो अभी बाकी है थोड़ा बाकी है तो हम आसरा है पूरा पूरी होने के लिए हम लोग ईएम सबसे दे देगा ने क्या आसरा आसरा है छोटा है सर अच्छा आगे और भी ऐसा ईएम था आगे भी पॉलिटिकल बहुत लीडर हुआ तो उनका कामकाज और अभी वर्तमान का जो लीडर है उनका कामकाज में क्या फर्क आपको मिला हम तो सर जस्ट मैंने अभी तो 2 इयर्स चार्ज हो लिया इतो भी तो माई के हिसाब से हम लिया हम लोग का मैंने खासी में तो ना जो प्रॉपर्टी थो हम लोग लड़की में जाता है इसलिए आगे में तो भाई लोग चलाता रहा तो हम तो जस्ट अभी 2 इयर्स भी नहीं हुआ है इसलिए हम जब चलाया तो हम लोग के ईएम अभी का नया ईएम है ठीक ही है इस देखा अच्छा बात है आगे का तो जो होता दिया तो दिया ना नहीं दिया बोल के तो बात नहीं नहीं देने से तो कैसे हम लोग रास्ता मिलेगा कैसे पानी मिलेगा दिया तो है लेकिन डैमेज है इतो बात है तो अभी जो नया ईएम आया फिर हम लोग मिला है अच्छा थोड़ा दिन में कितना महीना बाद में इलेक्शन होगा अब क्या सोचता है कैसा सरकार होने से अच्छा रहे तो हम लोग सोचता है जो मैंने जीतने से भी हम लोग को थोड़ा देखने से भी तो अच्छा होगा थोड़ा हम लोग भी तो माइनॉरिटी लोग भी देखने से तो हम लोग को थोड़ा थोड़ी एक डिजन मिलने से भी काफ़ी है ना क्या नहीं मिलने के बदली तो मिलने से बहुत अच्छा होगा बोल के जो जीतने से भी हम लोग को देखने से बहुत अच्छा होगा हाँ गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत अच्छा होगा नहीं तो हम लोग भी तो बहुत तकलीफ होता है ना इधर उधर में आजकल इसे भी जंगल भी नहीं है हम लोग काम करेगा बोलने से भी नहीं होता है और पंजुम करेगा बोलने से भी जगह ही नहीं है आजकल हम लोग का इसे पॉपुलेशन भी बढ़ती है आगे के जिस हिसाब से 10 घर 15 घर के लिए तो काफ़ी है लेकिन अभी तो हम लोग का तो 60-70 हो गया नहीं होता है काम करने के लिए इसलिए आदमी लोग हम लोग का विलेजर लोग सब इधर उधर में ठीक ठाक कोर्स काम करने लगता हाजरा करने लगता सब कुछ जितना सकता अपना अपना देखने लगता है तो बात है When the Hills Live TV interacted to some of the youths, they opined that the youths of Dimrucera are very much interested in sports and music. They felt that if these youths are provided with proper guides and encouragement in sports and music, the name and fame of the district would certainly be bright. Since they are not being able to approach the right place for the youth development, they appeal to the authority concerned to extend their helping for the development youths of Dimrucera. Yes, I myself, Mr. Ilam Ramir Polin, I'm a Gao ka youth act member. हम तो कहीं इस गांव में जैसा देखा है कि तो जैसा हम लोग चलता है तो ठीक ठाक है लेकिन हम लोग उनका थोड़ा तकलीफ है इसे ट्रांसपोर्टेशन तरफ में थोड़ा तकलीफ है और जैसा देखते हैं हम लोग उनका डेली लाइफ में जो लगता है सब वाटर क्या क्या जो होता है सब तो गाँव में हमको गाँव में सप्लाई थोड़ा कमती मतलब मिलता है और जैसे हम लोग उनका यूथ जो लगता है अपना डेली लाइफ में जो लगता है हम लोग उनको इसी से हम लोग उनका एक गांव में जो यूथ लोग है
लुकुन का जस्ती जस्ती लुकुन का इंटरेस्ट होता है, लुकुन का स्पोर्ट स्पोर्ट म्यूजिक ये सब में जस्ती इंटरेस्ट होता है। हम लोगों का स्पोर्ट में थोड़ा कमी जैसे देखता है कि हम लोगों का फील्ड प्ले ग्राउंड जैसा है उसका के थोड़ा अच्छा नहीं, मतलब इसे हम लोगों का जैसे कि डेलेन वाला बहुत जस्ती है और हम लोग का जैसे कि कोई सिखाने वाला ये सब कोच ये सब नहीं आता है हम लोग का इस गांव में। जैसे कि मतलब थोड़ा जंगल तरफ में हो गया, क्या कोई भी नहीं पहचानता होगा शायद, मतलब यहाँ में जो जो है क्या टैलेंट है, यू लोग का क्या टैलेंट है दुनिया को नहीं देखा होगा इसलिए कोई मालूम नहीं, इसलिए हम लोग उनका स्पोर्ट में थोड़ा ऐसे कुछ क्या होगा थोड़ा इम्प्रूव गवर्नमेंट से थोड़ा कुछ कुछ क्या फैसिलिटी सब देने से इम्प्रूव होने के लिए तो बहुत अच्छा होगा। और देखता है म्यूजिक में भी इंटरेस्ट वाला बहुत जस्ती बहुत लेंथर वाला है म्यूजिक में, लेकिन हम लोग का थोड़ा थोड़ा क्या बोले थोड़ा क्या बोले थोड़ा ये सब थोड़ा इंकरेज मिलना, हाँ थोड़ा इंकरेज मिलना चाहिए दूसरा का पास से, तब तो हम लोग उनका जो है हम लोग उनका यूथ का जो टैलेंट जो है तब तो देखा नहीं चाहेगा वो अच्छा रहेगा। हम लोग का कम्युनिटी तो अच्छा ही है लेकिन यहाँ पे तो थोड़ा हम लोग के यहाँ पे थोड़ा एरिया तो बहुत कम है, बोल के थोड़ा तकलीफ तो होता है क्योंकि यहाँ का एरिया तो ज़्यादा से ज़्यादा तो फार फार होता है ना, हम लोग का बस्ती और दूसरा बस्ती से तो बहुत अलग है, मेन मतलब मेघालय पे ज़्यादा है हम लोग का कल्चर तो यहाँ पे तो थोड़ा कम है। ऐसा है कि मतलब लीडर तो बहुत बनाए को सब तो बनाए लेकिन जितना बनाए इतना तो नहीं, मतलब जैसे हम लोग को चाहिए इतना तक तो अभी तक मैं तो निकला नहीं, लेकिन हम लोग को चाहिए ऐसा वाला नेता जो हम लोग के लिए काम करे, खास करके हम लोग का सोसाइटी के लिए तो थोड़ा नाम का मतलब थोड़ा तो इज्जत होना चाहिए और जैसे मतलब बस्ती बस्ती पे थोड़ा तो देखना चाहिए, यहाँ पे तो अच्छा वाला बस अच्छा वाला लीडर मिलने से तो हम लोग को बस्ती को भी थोड़ा देख लेगा, वही है हम लोग का आशा है जो अगला चुनाव में जरूर अच्छा लीडर लगेगा। हाँ, अच्छा लीडर लगेगा। चुनने का दायित्व तो आपका ही है। हाँ, तो लीडर तो ऐसे नहीं आएगा, आपको चुनना पड़ेगा। हाँ, आप कैसा लीडर चुनना चाहते हैं? अच्छा हो और खास करके हम लोग को समझे, खास करके हम लोग को समझे, हम लोग का दर्द तकलीफ को समझे, अपना दर्द लेके अपना दर्द सोच के ताकि हम लोग का भी दर्द को समझेगा, वही चाहता है हम लोग। थैंक यू, वेलकम।